कर्ण के पास महादेव का विजय धनुष होने के बावजूद भी क्यों कर्ण विजय धनुष का उपयोग नहीं करते थे, तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे कोई भी दिव्यास्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाढ़ को रख कर चलाया जाता था उस बाढ़ की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुनी बढ़ जाती थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी उसे दुनिया की किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने तारकासुर के तीनों पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तीनों पुरियों को एक साथ विध्वंस किया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने है वंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या किया तो शिव जी की आज्ञा से उन्होंने इंद्र से यह धनुष प्राप्त किया था। बाद में भगवान परशुराम ने यह विजय धनुष कर्ण को प्रदान किया था। धनुष हाथ में होते हुए भी कर्ण युद्ध में अजय था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण अपने धनुष को रथ में छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहियों को निकालने लगा। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।